शाहरुख खान ने 1500 मीटर दौड़ में नया कीर्तिमान बनाया। 66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के शाहरुख ने 1500 मीटर दौड़ मात्र 4 मिनट में पूरा करके यह कीर्तिमान बनाया। इसके पहले यह कीर्तिमान बनारस के राहुल देव के नाम था, तो वही गोला फेंक में बालक अंडर 17 वर्ग में वाराणसी के आशुतोष दुबे ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। 19.96 मीटर गोला फेंक कर बनारस के रुद्र नारायण का रिकॉर्ड तोड़ा, तो वही गोला फेंक के अंडर 19 वर्ग में प्रथम स्थान अयोध्या के देवेंद्र कुमार को मिला, तो दूसरे स्थान पर सहारनपुर के अनुज कुमार, तीसरे स्थान पर अलीगढ़ के मनसुख रहे। 800 मीटर बालक वर्ग अंडर 17 में प्रथम स्थान स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के घनश्याम सिंह का रहा, तो वहीं दूसरे स्थान पर बनारस मंजल के सतीश कुमार और तीसरे स्थान पर स्पोर्ट्स कॉलेज के शुभम यादव रहे। 1500 मीटर बालक अंडर 19 वर्ग में मेरठ के दुष्यंत कुमार प्रथम स्थान पर रहे, दूसरे स्थान पर स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के गौरव यादव, तीसरे स्थान पर स्पोर्ट्स कॉलेज के विवेक कुमार रहे। इस अवसर पर MSI इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अहमद खान, प्रधानाचार्य अरबी सिंह, प्रधानाचार्य और संचालन समिति के सदस्य रविन्द्र त्रिपाठी, प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ला जी, लेडी प्रशासन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी, प्रेम नारायण सिंह, विवेकानंद मिश्रा, रामचंद्र यादव, कृष्णकांत यादव, अविनीश राय, चयनकर्ता विनय रस्तोगी, अरुण कुमार, दौलत बाबू, चंदन मौर्य, मनोज यादव, राम जन्म, अजय रजक, दानिश मोहसिन आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रेम नारायण सिंह एवं MSI इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व 66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के संयोजक जफर अहमद खान ने कहा। मैं प्रेम नारायण सिंह, शारीरिक शिक्षक, कॉलेज गोरखपुर। ये जो 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न कराई जा रही है, उसमें कल चूंकि देर हो गया था, देर होने के नाते 800 मीटर दौड़ एक संपन्न कराया गया था वरिष्ठ बालकों का। शेष जो जूनियर बालिका, सीनियर बालक और वो सब जूनियर बालक बालिकाओं का और वरिष्ठ बालकों का पहले हो चुका था, कनिष्ठ बालक और बालिकाओं का 800 मीटर का दौड़ सुबह जो है 8 बजे प्रारंभ कर दिया गया था। उसके संपन्न होने के तत्काल बाद हम लोगों ने 100 मीटर हीट्स जो कल के ही इवेंट थे उसको 100 मीटर हीट्स कराया गया, और उसके बाद अन्य जो गेम बचे हुए थे जैसे हमारे लॉन्ग जंप, शॉटपट थ्रो, वो कार्यक्रम चल रहे हैं। शॉटपट थ्रो संपन्न हो चुका है, अभी
इस समय हैमर थ्रो चल रहा है, लॉन्ग जंप चल रहा है और सेमीफाइनल 100 मीटर का सेमीफाइनल भी संपन्न हो चुका है। देर शाम तक और जो भी खेल आज के हैं और कल के जो भी खेल हैं वो सारे खेल आज संपन्न करा दिए जाएंगे। मैं जफर अहमद खान, आयोजक सचिव, प्रधानाचार्य मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज, आज 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022 का दूसरा दिन है और आज से सभी प्रतियोगिताएं अपने नियत समय से प्रारंभ हो चुकी हैं। प्रातःकालीन सत्र में 100 मीटर रेस तीनों ग्रुप्स की, बालक और बालिका दोनों, और इसके अलावा 1500 मीटर जो जिस ग्रुप में होना था वो दोनों बालक और बालिका का समाप्त हो चुका है। इसके अलावा जो है वो सुबह में ही डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो और साथ में जो है इस वक्त हैमर थ्रो की का कंपटीशन चल रहा है। इसके अलावा जो है वो दूसरी तरफ स्टेडियम में जो है वो लॉन्ग जंप की भी प्रतियोगिता संपादित की जा रही है। जितनी भी प्रतियोगिताएं आज संपन्न होनी है निश्चित रूप से वो 5 बजे शाम तक जो है वो आज की होने वाली तमाम प्रतियोगिताएं संपन्न कराई जाएंगी। इसके बाद जो है वो कल प्रातः 8 बजे से जो है वो तीसरे दिन की प्रतियोगिताओं को संपन्न कराने का कार्य किया जाएगा।